आज बनाई है मैंने ये पोषाक, ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, सिर्फ ओनली 5 मिनट में बनके तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी प्यारी सी सुंदर सी ये पोशाक है, जैसे कि मार्केट से मैं लेके आई हूँ। अगर ऐसे ही तुम खूबसूरत सी पोशाक अगर मार्केट से खरीदेंगी तो 100-150 रुपये से कम नहीं आएगी। ये मैंने इसमें सिर्फ 10 रुपये की टावल, 5 रुपये की ये वाली लेस और 10 रुपये की ये वाली लेस 25 रुपये में बनके तैयार हो गई है। ये तो देखिए कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी ये पोशाक बनके तैयार है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इस टावल में से पोशाक, क्योंकि अक्सर करके ये गरम टावल आती हैं मोटी वाली, उसमें से बनाकर दिखाऊंगी। और ये थोड़ी सी मेरे पास लेस है, तो ये पुरानी टावल नहीं है और ना पुरानी ये लेस है। मैं नई लेस और नई टावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, यानी लड्डू गोपाल के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले से हम कट करेंगे इस तरीके से, पहले डबल करेंगे। देखो मैंने ये डबल कर लिया है, और डबल करके 3-3 इंची की इसमें से पट्टियाँ कट करनी है। कितनी? 3-3 इंची की। इधर की साइड से लेंगे एक पट्टी और एक पट्टी इधर की साइड से लेंगे, दोनों तरफ किनारियों से लेंगे हम, क्योंकि इसकी किनारी पहले से बनी हुई है इसलिए। तो इसे हम कट कर लेंगे। देखो मैंने निशान लगा दिया है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये साइडों से कट कर लिया, दोनों साइड लिए मैंने। देखो इस तरह से मैंने लंबाई में दोनों कट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसे हम सीधी है ये वाली और इधर की साइड भी सीधी है, दोनों तरफ से ऐसे यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं एक साइड में। तो देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है और एक लंबी सी 3 इंची की पट्टी बना ली है। देखो यहाँ पे मैंने ये सिलाई की है। तो अब क्या करेंगे, जो भी आपके पास लेस हो वो इधर की साइड किनारी बनी हुई है उधर ही हमें ये लेस लगानी है, क्योंकि ये वाली साइड तो सिलाई में आ जाएगी मगर यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। अगर आपके पास इससे भी अच्छी लेस है तो वो भी आप लगा सकती हैं। मार्केट से सस्ती लेस आ जाती है 10-5 रुपए की, वो भी मंगा कर लगा सकती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी लेस लगाएंगे। तो इसकी भी हम सिलाई पहले कर लेते हैं। तो देखिए मैंने किनारे पे ये लेस लगा ली है, देखो, और लेस मैंने ये किनारी बनी हुई की तरफ लगाई है, जो टावल की किनारी बनी हुई होती है। देखो इस तरीके से पीको या इंटरलॉक होती है, उसी तरफ मैंने ये लगाई है लेस। अब क्या करेंगे, इधर की साइड को हम क्या करेंगे कि इसमें हम चुन्नटे लगाएंगे, बड़ी बड़ी चुन्नटे लगाएंगे इस तरीके से। देखिए यानी ऐसे ही इस तरीके से। तो पहले ये चुन्नटे भी हम लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने ये इस पे चुन्नटे लगा ली हैं, देखो इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, अब इसके जो सीना बनाएंगे तो वो अब हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमारा चावल का कपड़ा बीच वाला बचा हुआ था उसे हम इस तरीके से डबल करेंगे। देखिए ये मैंने डबल कर लिया है। तो देखिए मैंने ये डबल कर लिया है। अब इसे हम, ये मेरा 4 इंची का कपड़ा है,
और मैं इसमें से दो दो इंची पे निशान लगा रही हूँ। दो इंची पे निशान लगाया है मैंने, देखिए। अब यहाँ से इसे कट करना है। पीछे की साइड को हम पूरी कट करेंगे, देखिए। आगे की साइड को हम थोड़ी सिली रहने देंगे। मैं ये भी बता देती हूँ कितनी सिली रहने देने हैं। दो इंची हम सिली रहने देंगे। देखो इस तरीके से मैंने बीच में ये कट कर लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से सीधा रखेंगे, देखिए, और इसे हम उल्टा रखेंगे, देखो इस तरीके से, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे इसे सिल लेंगे इस तरीके से। इसकी सिलाई लगा लेते हैं पहले यहाँ पे सिलाई। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है, देखो इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जो मैंने ये बीच में कट किया है ये वाला हिस्सा, इस पे हम लेस लगाएंगे। इस पे ये पतली वाली लेस लगाएंगे, तो दोनों तरफ लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी से हम ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और इसे लेस को इस तरीके से रखेंगे। तो ऐसे ही पूरी किनारी पे हम लेस लगा लेते हैं, देखो इसी तरीके से, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले हम इस लेस को, पतली वाली को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पतली वाली लेस लगा ली है। ये मार्केट से 5 रुपये के मीटर आती है, 1 मीटर 5 रुपये का। तो इसकी साइड में भी लगाएंगे दोनों तरफ, यही पतली वाली लेस भी लगाएंगे। तो ये भी हम इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ेंगे, देखो ऐसे, और यहाँ पे पतली वाली लेस लगा लेंगे यहाँ तक। तो पहले उसे भी हम लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों तरफ पतली वाली लेस भी लगा ली है। अब क्या करेंगे, अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे सिलाई करेंगे। देखो ये लेस दोनों तरफ से एक तरफ आए, देखो इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई कर दे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई की है, देखिए ये एक बाजू बन गई है। अब दूसरी बाजू भी इसी तरीके से बनाएंगे, रखेंगे इस, दोनों बाजू एक जैसी बनाएंगे, छोटी बड़ी नहीं बनाएंगे। तो पहले हम ऐसे करके नाप कर लेते हैं, इधर की साइड भी सही है और इधर की साइड भी। तो अब मैं इधर की साइड भी सिलाई कर लेती हूँ, ऐसे ही करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से बाजू बना ली हैं, देखो। और ये लड्डू गोपाल की पोशाक बिल्कुल बनके तैयार है, देखो। 5 मिनट बनती है इसे बनाने में, और गरम कपड़ा लड्डू गोपाल के 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। सिर्फ इसमें सिलाई वर्क करनी है और कटाई करनी है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है, ये बनके तैयार।